और इस वक्त पाकिस्तान में आतंकी संगठनों के मीटिंग पर मीटिंग हो रही है। आतंकी आकाओं ने फरमान जारी किया कि उनका कोई भी साथी मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ेगा, क्योंकि जिस तरह आतंकी हंजला मारा गया उनकी भी हत्या हो सकती है। कौन लगा रहा है पाकिस्तान के आतंकवादियों को ठिकाने? हर महीने किसी ना किसी खूंखार आतंकवादी की मौत का आखिर मास्टरमाइंड कौन है? पाकिस्तान के टेरर वर्ल्ड में हाहाकार, आतंकवादियों के हेडक्वार्टर से आया नया फरमान। मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ेंगे आतंकवादी। मस्जिदों में छिपे हैं आतंकवादियों के दुश्मन। पाकिस्तान के हर गली मोहल्ले में खौफ भर गया है। AK-76 धारी, AK-47 धारी बम गोला बारूद से खेलने वाले आतंकवादी अब खून के आंसू रो रहे हैं। चुन चुन कर कब्रिस्तान में सुलाए जा रहे हैं। दिन दहाड़े कहीं भी किसी भी वक्त किसी भी आतंकवादी सरगना की गोलियों से छलनी लाश मिल सकती है। किसी एक शहर में नहीं, रावलपिंडी, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, पेशावर, लाहौर, जलालाबाद, जिधर देखिए भगदड़ मची है। आवाम के बीच नहीं, आतंकवादियों के आकाओं के बीच। आतंकी संगठन कोई भी हो, आतंकी सरगना कोई भी हो, सबके हलक सूख रहे हैं। कोई और देश नहीं, कोई और खुफिया एजेंसी नहीं, बल्कि पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के सरगनाओं ने ही कबूल कर लिया है कि उनकी गर्दन किसी भी वक्त कलम की जा सकती है। कौन ठिकाने लगा रहा है पाकिस्तान में आतंकवादियों को? किसके इशारे पर चल रही है पाकिस्तान में आतंकवादियों की मौत की फैक्ट्री? क्यों पाकिस्तान में आतंकवादियों को ISI चाह कर भी नहीं बचा पा रही? किसने ली है पाकिस्तान के आतंकवादियों को मारने की सुपारी? कौन है आतंकवादियों का सुपारी किलर? एक के बाद एक मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की हत्या से आतंकी संगठनों के आकाओं को भी अपने और अपने गुर्गों की हत्या का डर सताने लगा है। पाकिस्तान के कई आतंकी संगठनों ने अपने आतंकियों को मस्जिद में जाकर नमाज नहीं पढ़ने की हिदायत दी है। आतंकवादियों से कहा गया है कि किसी भी मस्जिद में किसी भी समय नमाज अदा करने ना जाएं, क्योंकि मस्जिद में भी अज्ञात बंदूकधारी उन्हें अपना निशाना बना रहे हैं। सुबह की नमाज भी अपने घर पर ही अदा करनी चाहिए, जलसा और निकाह पार्टी में भी नहीं जाना चाहिए। यह हकीकत है पाकिस्तान के आतंकवादियों की। खुद के ठिकाने पर महफूज नहीं और दुनिया भर में अपना राज कायम करने के लिए मरे जा रहे हैं। अपनी जान तो बचा नहीं पा रहे, दुनिया पर हुकूमत करेंगी। कुछ आंकड़े देखिए पाकिस्तान में कैसे आतंकवादियों की बेमौत वाली मौत हो रही है। इसी दिसंबर महीने में पाकिस्तान में दो आतंकवादियों की हत्या हो गई। पहला मोस्ट वांटेड आतंकी लश्कर ए तैयबा का सदस्य अदनान अहमद उस हंजला अदनान था। लश्कर आतंकी अदनान अहमद की कराची में गोली मारकर हत्या कर दी गई। हंजला 2016 में पंपोर में CRPF काफिले पर हमले का मास्टरमाइंड था। इस हमले में 8 जवान शहीद हुए थे, जबकि 22 जवान जख्मी हुए थे। हंजला ने साल 2015 में जम्मू के उधमपुर में BSF काफिले पर हमला करवाया था। इस हमले में 2 BSF के जवान शहीद हुए थे, जबकि BSF के 13 जवान जख्मी हुए थे। ऐसे आतंकी के मारे जाने पर पाकिस्तान में मातम पसरा है। पाकिस्तान की आतंक परस्ती की डिटेल आपको आगे दिखाएंगे, अभी मारे गए आतंकियों की अपराध कथा। दूसरा आतंकी जो दिसंबर यानी इसी महीने मारा गया, उसका नाम है अहले सुन्नत वल जमात नाम के आतंकी संगठन का सदस्य बिलाल मुर्शिद। आतंकी बिलाल मुर्शिद को भी किसी अज्ञात बंदूकधारी ने कराची में गोली मार दी। एक के बाद एक आतंकियों की हत्या से पाकिस्तान के आतंकी संगठनों में खलबली मच गई है।
इस साल मारे गए आतंकियों की पूरी फहरिस्त आपकी स्क्रीन पर है। नवंबर 2023 लश्कर के आतंकी अकरम गाजी की हत्या, अक्टूबर 2023 आतंकी शाहिद लतीफ की हत्या, सितंबर 2023 लश्कर के रियाज अहमद उर्फ अबू कासिम की हत्या, फरवरी 2023 हिजबुल के आतंकी बशीर अहमद पीर की हत्या, फरवरी 2023 अलबद्र के पूर्व कमांडर सैयद खालिद रजा की हत्या, मार्च 2023 आतंकवादी सैयद उर शालोबर की हत्या। खून का सौदा करने वाले खून से लथपथ किसी सड़क किनारे मरे मिल रहे हैं। बंदूक की नली से पाकिस्तान की जनता को अपने तलवे के नीचे रखने वाले आतंकवादियों को समझ नहीं आ रहा है कि उनकी जान का प्यासा ये नया दुश्मन कौन है। आर्मी हेडक्वार्टर रावलपिंडी और इस्लामाबाद से डायरेक्ट कनेक्ट होने के बावजूद आतंकवादियों का माथा चकरा गया है कि उन्हें मार कौन रहा है। पाकिस्तान के आतंकवादियों का सुपारी किलर कौन? नतीजा है कि पाकिस्तान में बाहर नहीं निकलने की पाबंदी के चलते आतंकवादी नाराज हो गए हैं। पाकिस्तान में 24 घंटे में आग लगने के 3 बड़े हादसे हुए हैं और पुलिस की शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि यह आतंकियों की करतूत हो सकती है। आग की तीनों ही घटनाओं में पुलिस को साजिश की बू आ रही है। माना जा रहा है कि एक के बाद एक अपने साथियों की हत्या और खुद पर बाहर नहीं निकलने की पाबंदियों के चलते आतंकवादी पाकिस्तानी सेना से नाराज हैं और अपना गुस्सा इस तरह हादसों की शक्ल में बाहर निकाल रहे हैं। इन आतंकवादियों को खुद की रक्षा के लिए पाकिस्तानी सेना चाहिए। क्योंकि लश्कर ए तैयबा का आका हाफिज सईद खौफ में है। जैश मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर भी दहशत में है। हिजबुल मुजाहिदीन के मुखिया सैयद सलाहुद्दीन का हलक सूख गया है। पाकिस्तान में पनाह लिए और पाकिस्तानी फौज की सरपरस्ती में भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रचने वाले करीब 12 आतंकवादी संगठनों में खौफ ज्यादा है, क्योंकि इस साल मार्च से लेकर अब तक 9 आतंकवादियों की हत्या कर दी गई है। पाकिस्तान में औसतन हर महीने एक आतंकी की हत्या हो रही है। पाकिस्तान के आतंकवादियों का सुपारी किलर आखिर कौन है? इस सवाल का जवाब आपको दुनिया की किसी भी फाइल में नहीं मिलेगा। पाकिस्तान में जो आतंकवादी मारे गए हैं उनकी आतंकी ये स्टोरी बहुत डरावनी है। इन आतंकवादियों ने इंसानियत का खून बहाया है और अब मर रहे हैं तो इन्हें प्रोटेक्शन चाहिए। यह प्रोटेक्शन क्या पाकिस्तान से इन आतंकवादियों को मिलेगा, इसके डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। अभी उस अदृश्य कातिल की तलाश जिसने आतंकवादियों के सीने में कभी ना खत्म होने वाला खौफ भर दिया है। पाकिस्तान के आतंकवादियों का सुपारी किलर कौन? पाकिस्तानी मामलों के जानकारों का मानना है कि खुफिया एजेंसी ISI यूज एंड थ्रो के फॉर्मूले पर चलती है, लिहाजा आतंकवादियों की लगातार हो रही हत्या के पीछे मुख्य रूप से 3 थ्योरी की चर्चा हो रही है। पहली थ्योरी, हो सकता है कि आतंकी जो उसके काम के नहीं रह गए हैं उन्हें वो खुद ही साजिश मरवा रही हो, मतलब ISI ही आतंकवादियों को मार रही है। दूसरी थ्योरी, ये भी हो सकता है कि आतंकवादियों के बीच वर्चस्व की लड़ाई भी आतंकवादी मारे जा रहे हों। तीसरी थ्योरी, पाकिस्तान को आतंकियों की वजह से ब्लैक लिस्टेड होने का डर बना रहता है, ऐसे में हो सकता है कि सरकारी मशीनरी के जरिए ही इनका खात्मा किया जा रहा हो। पाकिस्तान के आतंकवादियों की हत्या की वजह जो भी हो भारत के लिए यह अच्छी खबर है। पाकिस्तान ही नहीं अफगानिस्तान या कनाडा में भी भारत के खिलाफ खूनी साजिश रचने वाला कोई मारा जाए तो ये बेहद अच्छी खबर होगी। लेकिन पाकिस्तान के आतंकवादी समूह अपने खूनी यारों की मौत का कारण भारतीय खुफिया एजेंसियों को मानते हैं। जिस तरह से खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर मढ़ा, लेकिन बार बार सबूत मांगने के बावजूद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो इसका सबूत नहीं दे पाए, वही हाल पाकिस्तान और पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादियों का है। यह पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तानी ISI ने हिजबुल मुजाहिदीन प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन, जैश मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर और लश्कर ए तैयबा प्रमुख हाफिज सईद को सुरक्षा घेरा दिया है। इन्हें बुलेट प्रूफ गाड़ियां मुहैया कराई गई है। इन्हें सतर्क किया गया है कि अपने ठिकाने से बाहर नहीं निकले। असल में पाकिस्तान अराजकता के दौर में है, कहीं कोई सरकार शासन
नियम या कायदे की जगह नहीं है। देश आर्थिक रूप से कंगाल हो चुका है, फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, बेरोजगारों की भीड़ उमड़ रही है, यहाँ तक कि आवाम को 2 जून का खाना जिस दिन नसीब हो जाता है अल्लाह का शुक्रिया अदा करते ही दिन कट रहे हैं। बस आतंकवाद ने पाकिस्तान की सरकार, सेना और अफसर शाही सबको पंगू बना दिया है। मजहबी खाल ओढ़े इन आतंकवादियों ने पाकिस्तान की आने वाली कई नस्लों को नफरती तेजाब में डुबो दिया है। इनके मारे जाने पर पाकिस्तान को खुश होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान दुखी है क्योंकि उसके असली बेचे पाकिस्तान के फौजी नहीं आतंकवादी हैं।